हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी आप देख सकते हैं सुबह के 6:50 हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने किचन में चाय बनाने के लिए रख दिया है, गर्मा गर्म मसालेदार चाय। तो यहाँ पर चाय बन रही है और उसके साथ साथ ही हमने वॉश एरिया में हमने वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया है, कपड़े वॉश हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी फॉग है थोड़ा थोड़ा और ठंडा है, यानी अभी 10 मिनट बाद उजाला हो जाएगा। चलो भाई, सुबह की गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार हो चुकी है। तो थोड़ी सी चाय हम सुबह के टाइम में ठंडी है तो हनी के लिए हनी को भी थोड़ा चाय पिला देते तो चाय उसको थोड़ी सी गले में थोड़ी सी उसकी गर्माहट आए। तो चलो अभी चाय बन चुका है तो अब चलो हम जाके चाय पीते हैं। कोई उठी है यहाँ पे और ये नींद दवाइयाँ रहती है, शायद उनमें नींद का भी होता होगा, सर्दी की जो है कोल्ड की। तो इसकी नींद बेचारी की ना, रात में स्टीम देने के कारण ना उसको काफ़ी 1:30 बजे तक स्टीम दिया था हमने। वैसे तो हर एक घंटे में बोला, पर रात में सोने भी देना है इसलिए हम देते नहीं हैं। इस कारण से इसकी नींद नहीं हो रही है। हनी बेटा हनी ले, मेडिसिन ले। हनी एक मुंह खोल। गुड़िया हनी रेडी है स्कूल जाने के लिए? हनी का आज लास्ट एग्जाम है जीके का, तो हनी तैयार है स्कूल जाने के लिए। चलो करो, डोर ओपन करो। जय कर लो भगवान को। जय किधर जय कर रहे, मुझे भगवान तो देखती भी पीछे नहीं है। ए पैक लिखती हूँ मैं, पैक। चलो लिख। अरे अरे, अभी स्कूल पहुंच चुके। आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम। चलो चलो चलो, स्कूल के अंदर इंटर हो चुके हैं अभी। अभी हनी को एग्ज़ाम दिला के अभी घर पहुंच चुकी है। अब ड्रेस खोलेगी हनी, शूज खोल दिए। हनी आधे घंटे में आज जीके का ओरल एग्ज़ाम था तो हो गया, तो ठीक है टाइम पे ले आया इसको, टाइम पे हो गया। क्या बोल रहे बेटा? हाँ अभी देना है, मेडिसिन डाल के रखा है मैंने। यस यस, ओके ओके। आप हनी का अभी क्या चल रहा है बेटा? आपको स्टडी चल रहा है आपका? तो अभी आपने लंच नहीं करना है? लंच में क्या करोगे आप? लंच में क्या खाओगे? दूध ब्रेड खाओगे? भैया क्या करना, लंच वो लंच हनी के आज लंच लंच जो है हनी के हिसाब से ही बनता है, दूध ब्रेड। ठीक है, मतलब हमारे लिए खाना नहीं बनेगा, मतलब हमारे समझो जो हनी ने बोल दिया वही बनेगा। पास्ता बोल दिया, पास्ता बना दो, है ना? के पेट भी मतलब शायद हाँ, थोड़ा सा मतलब जैसा मरोड़ क्या होता है भाई, मरोड़ ज्यादा खाएगा तो मरोड़ ही होगा ना हनी। हैं हनी क्या हो रहा है? थोड़ा हल्का हो जाए। ओ तेरी का। चलो भाई, इसको शाम को डॉक्टर को ले जाओगे ना? हाँ। उनको बता देना कि पता नहीं पेट में क्या हो रहा है। पेट में डॉक्टर वही बोलेगा कि थोड़ा कम खिलाओ बोलेगा, और क्या। वो क्या डाल दिया चावल में? तू डाल दिया उसने, इसने इसने राइस में उसमें चाव उसमें दूध में राइस डाल दिया इसने। क्यों बेटा ऐसे कोई बात नहीं, मम्मी कोई बात नहीं, पास्ता बना लो। हाँ पास्ता नहीं कर रहा, दूध ब्रेड कॉफी पास्ता कर रहा है, पास्ता खाएंगे। ये क्या बात हुई भाई, गुस्सा हो रही है हनी। ये देख नहीं, और ये पास्ता हनी का यार स्टीम चल रहा है। अभी सो के उठी है, सबने थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लिया। अभी डॉक्टर के पास जाना है ना हनी? कोल्ड हो गया? कोई नहीं, ठीक हो जाएगा बेटा। बनाने जा रही हूँ पालक का साग, जो कि फ्रिज में रखा था पीस के, इसकी तबीयत खराब थी तो बन नहीं पा रहा था। है ठंडे तो खराब नहीं होता है। ये मसाला है टोमेटो का पेस्ट, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, और ये घी का बनाते तो सार निकलता है वो है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस ये है कि फ्रेश क्रीम का होना चाहिए, जैसे
बदबूदार क्रीम जो इकट्ठी हो जाती है बहुत ज़्यादा दिन की, उसका ना हो तो क्रीम अच्छी होगी। उसका जब हम घी बनाते हैं ना फ्रेश क्रीम का, तो फिर ये जो साड़ बनता है ये काफ़ी, इससे सब्जी में डालो ना मसाला भूनते टाइम बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये। चलिए शुरू करते हैं हम। जा रही हूँ हॉस्पिटल चेकअप के लिए, कैप नहीं निकालना बेटा ठीक है, और मास्क भी पहन लो, मास्क भी नहीं निकालना। पर्पल कलर मास्क प्लीज। अच्छा पापा दे रहे हैं, पर्पल मास्क मांग रही है। टाइट मास्क। हाँ टाइट मास्क, मास्क नहीं उतारना, निकालना मास्क नहीं निकालना। अभी कैसे लग रहा है बाबू को, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं बेटर लग रहा है कि नहीं? बेटर लग गया सर, तबीयत ठीक लग रही है। इधर दिखाओ तो सही, टीथ दिखा। ठीक है ठीक है। शैलजा किसने 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 बोला सलीना नहीं है, शैलजा है? शैलजा किसने बोला? विशाखा मैम। अच्छा ठीक है, अच्छे से चेकअप करा लेना। नो नो नहीं बोलना डॉक्टर, मैम थोड़ी ना, मम्मा हूँ ना आपकी। ठीक है चलो आ जाओ, मास्क पहनो पहले, मास्क ला रहे पापा। वाओ मैचिंग मैचिंग सब ब्लू ब्लू हो गया, ठीक है। बहुत खुश हो रही है। शूज नहीं पहना, ठंडी है, ठंडी तो है ही है। बाय। गरम मसाला, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालूंगी, मैं खाती नहीं है, बस ये मसाले डाल दिए। अब इसको अच्छे से मैं भूनती हूँ, दालचीनी पाउडर, धनिया पाउडर और डालूंगी, थोड़ा कम डाला था मैंने। ये मसाला काफ़ी ज़्यादा है, आलू साग जो है ये डाल दिया है मसाले के साथ, भूनने के साथ। मसाले एकदम भून चुके हैं, साग डाल दिया मैंने। भैया ने भी मास्क क्यों उतारा आपने अपना? मास्क लगा के बैठी थी वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर ने चेकअप किया होगा तो। नहीं डॉक्टर को दिखा दिया बेटा, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने आपको चॉकलेट दिया था ना, कहाँ है? दिखा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के देंगे। कौन सी चॉकलेट? फ्रेंड्स के देंगे, फ्रेंड्स के देंगे। क्या फ्रेंड्स का देंगे? फ्रेंड्स का देंगे, पता नहीं वो डब्बे में उसने कुछ रखा है कुछ। हाँ भैया भी एक था ना, वो आया था, एक बच्चा आया था ना, उसको भी काफी साफ सुथरे में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भैया ने भी मास्क लगाया है। अच्छा ये तो बताओ, ये स्टीम है, ये स्टीम लिया था, स्टीम लिया था, स्टीम, हाँ स्टीम, स्टीम लग गया। चलो अभी आपको स्लीपिंग कर। यस अच्छा सुनो तो सही, मम्मा को बता दे क्या बोल रहे डॉक्टर अंकल ने, क्या बोला? ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड बोला कि बैड? गुड बोला। क्या बोला उन्होंने? 60% ठीक है, 60% ठीक है, पर अभी और देना है। तीन दिन का ये जो बचा हुआ मेडिसिन को खत्म करो, और जो जो उसका जो जो बोले थे फीवर जो और जो पेट में दर्द हुआ ना वो कफ निकलने के कारण थी वो। अच्छा दिया है, अगर होगा तो जरूरत होगा तब इस्तेमाल। वैसे ये अभी स्टीम कितने दिन देना है? ये तो बोला कि 3 दिन और दो, अगर 3 दिन में इसको कुछ नहीं ठीक हो जाता है तो संडे को दिखाना है, दिखाना है, नहीं है तो ठीक हो तो नहीं भी आना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो मतलब स्टीम तो अभी 3 दिन देना ही है। हाँ
हाँ बोलो भैया को भी आपकी तरह ही कफ कोल्ड हो गया होगा, तो स्टीम दे रहे होंगे ना उनको। हाँ रो रहा था भैया, रो रहा है, रो रहा था, रोना नहीं है, रोना नहीं है, डॉक्टर ठीक कर देंगे, नहीं रोना, रोना नहीं है, मम्मी से मम्मी, हाँ मम्मी के गोदी में बैठा था, छोटा सा था क्या भैया, रो रहा है, नहीं होगा तकरीबन, आप ही लगाइए प्लीज। हाँ इसके टाइम पे तो चुप हो जा, इसे भी बोले जा रही, बोले जा रही है। ये बस अब तैयार हो गया है, काफी उबाल दिया, हनी का फेवरेट मैंने पनीर डाले से, पनीर बहुत पसंद है, हनी स्टीम ले रही है, और अभी लोग अभी हॉस्पिटल से आए ये लोग, फिर दूध भी टाइम पे नहीं हो पाया तो अभी दे रही हूँ उसको, थोड़ा सा हल्दी डाल रही, थोड़ा कॉम्प्लेन डालूँगी, और अब चाय बनाती हूँ। ये हो गया हनी के लिए टर्मरिक एंड कॉम्प्लेन मिल्क रेडी, जय कर लो जय। ऐसे नहीं तो उल्टा हाथ है, सीधे हैंड से राइट, सीधा हैंड ऐसे, सीधा ऐसे, टू हैंड, वन टू हैंड से, टू थ्री, मामा का दे दे, वन टू थ्री, मुंह से बोल गणेश भगवान, मुंह से नहीं बोल गणेश भगवान, क्या मुंह से, क्या मुंह से बोल गणेश भगवान, क्या क्या बोल रही है, मुंह से बोलना है, वन टू थ्री, बोल गणेश भगवान की जय, दुर्गे माता की जय, फूल बजरंग बली की जय, वानर माता की जय, वानर माता की जय, वानर माता की जय, वेरी गुड। और ऐसा क्लास वर्क कुछ बचा हुआ है ना, तो मैंने बोला कंप्लीट कर ले, थोड़ी देर पढ़ ले राइटिंग वर्क। नहीं बोला 9:30, और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि हनी को स्टीम दे के फिर खाना देते हैं, और ये भी थोड़ा सा लेट ही हो गया, चलिए रोटी बनाती हूँ। डिनर रेडी, साग एंड गरम गरम चपाती, चलिए देते हैं, टाइम हो रहा है 10 बज रहे, वैसे भी हनी को बहुत भूख लग रही है, बस बेटा लाती हूँ, बोल रही आई एम हंग्री, हनी हंग्री है, कप्पा मैगी नहीं खाना यार, रोटी और सब्जी बनी। अरे ये क्या हो रहा है, अभी साग इतना बच गया है, देखो दो टाइम का बना लिया, अच्छा मतलब दो टाइम की सब्जी बन गई, और क्या, साग तो फिर ऐसे ज्यादा ही बना लेना चाहिए, बार बार ठीक है ना, क्योंकि हमने रोटी खाया ना इसलिए सब्जी ज्यादा होगी, अभी कल आप लोगों के लिए राइस के साथ होगी, हाँ राइस तो, बट मैं वो हनी को खिलाने के लिए सोच रहा ना, हनी अब को मुझे आराम हो जाएगा थोड़ा। हाँ आपको आराम नहीं मिल रहा बेचारा, क्या काम करते रहते बिजी हो इसलिए आराम नहीं मिल रहा है, तब अभी थोड़ा टोंड नहीं मारा, बता रहा आपको आराम मिल जाएगा, फिर भी आराम किया तो चावल तो बनाना पड़ेगा ना, चावल बनाना पड़ेगा, दलिया बनाना पड़ेगा ना, दलिया नहीं बनाऊंगा, रोटी खाऊंगा। चलो ठीक है भाई, नहीं ऐसे रोटी से अच्छी है सब्जी, रोटी से अच्छा, लेकिन हनी राइस बोल रही ना तो उसको राइस देना ही पड़ेगा क्या, चलो ठीक है। चलो अभी मेरा और ये हनी का डिनर हो चुका है, और अभी हम दूध ले रहे हैं कॉम्प्लेन और मखाना डाल के, तो चलो अभी पहले दूध पी लेते,